जो आम आदमी पार्टी क्लीनिक्स बनाए है, जे 500 बनाए है तो 300 क्लीनिक ऐसे जो ऑलरेडी आम आदमी पार्टी क्लीनिक तरह काम कर रहे थे, उन्होंने तो भी बेहतर काम कर रहे थे, उतों डॉक्टर चक के पाए इधर लगाते हैं। फिर तुम अपने फंड्स लगाओ, सेंटर के जोड़े फंड आ नैशनल हेल्थ मिशन के 436 करोड़ रुपया पहला आया से वो तुम उधरले पासे लाता, जिन्ना स्टाफ है मेडिकल पैरामेडिकल उधर मूव कर लिया, क्लास 4 कित है ही नहीं, जेडे कित है वह भी मूव करके आम आदमी पार्टी क्लीनिक लै गए। किसानी से कर जो 90,000 करोड़ रुपया तुम रौली पाते रहे भी जी कैप्टन ने सारा कर्जा माफ़ करना सी, कैप्टन ने किया नहीं, जब इन्होंने कांग्रेस ने किया नहीं तो तुम हूँ क्यों नहीं करते, जे पिछले फेल हो गए तुम जरूरी फेल होना, तुहानू लोगों ने बदला ले लिया है, तुहानू लोगों ने बड़िया उम्मीदा तो अपन सदन के नाल लिया है, तुम उस बदला ले काम करो। पूरा पंजाब इस वेले मोर्चे वाला पंजाब बनया हो कि बंदी सिंह रिहा होने चाहिए, तो लगता है भी जेकर वह बाहर आएंगे तो समाज के लिए खतरा, जिहड़ी यूनियन गवर्नमेंट आ ईवन जो केजरीवाल के अंडर भी जो कुछ जो बंदी सिंह इन्हों साडा स्टैंड है भी उन्होंने रिहा करना चाहिए। टोल प्लाजे बंद होने चाहिए ने या नहीं? देखो जो टोल प्लाजे जो बंद बिल्कुल होने चाहिए, पर एट द सेम टाइम वो गवर्नमेंट की पॉलिसी की है, गवर्नमेंट जी अगे रोड जोड़े पहला जोड़े जो कंसैशनर जो बनाते हैं अगे गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गवर्नमेंट उन्होंने रोड्स को किदा मेनटेन करेगी, सड़क बन दी सी वो बंद हो गई, गटका नहीं मिल रहा, रेता 3 गुणा महंगी हो गई, तो हूँ जी जनतक खड्डा की गल कर रहे भी गल सुन लो, उत्थे जो सुखदेव सिंह आ जे जिन्हों ट्राली पहली भराई मुख्यमंत्री साहब ने, तो सुखदेव साहब ने तो आप 67 लाख रुपया माइनिंग डिपार्टमेंट ने नोटिस कढ़िया होया। सत श्रीकाल, अं देख रहे हो रोजाना स्पोक्समैन टीवी के महा सुरखाव दोस्तों, जेकर असी इस वक्त पंजाब सरकार की गल कर लिए तो पंजाब सरकार बनाम राजपाल हुंदा नज़र आ रहा है, तो दूजे पास कांग्रेस जो विरोधी धिर है वह भी लगातार सरकार को घेरती नज़र आ रही है। राजकुमार चब्बेवाल मेरे नाल ने, डॉक्टर साहब पंजाब सरकार बनाम राजपाल इस स्थिति पंजाब नूं किहड़े पासे लैके जा रही है? देखो मैं पहला भी दस्या कि राजपाल ते मानयोग मुख्यमंत्री पंजाब दा आपस दे विच जो रवैया है जो मीडिया राही लोगों के सामने आ रहा है ये अति चिंताजनक है, और मैं समझता कि वह दिन दूर नहीं है जदों पंजाब नूं ये गंभीर संविधानक संकट वल लै जाएगा। सो मैं तो ये सब तो पहला मुख्यमंत्री साहब नूं बेनती करनी चाहवागा कि जो गवर्नर साहब देखो जे गवर्नर साहब तो 100 भी चक्की है तो गवर्नर साहब के नाल मिलन च भी कोई हर्ज नहीं है, गवर्नर साहब नाल जिन्नियां कोआर्डीनेशन वधिया होएगी जिन्नियां सिटिंग ज़्यादा होणगियां मैं समझता कि उन्ना ही पंजाब के लिए बेहतर है, जिन्ने इशू ने वो इशू गवर्नर ने रेज़ किए वैदर दे आर राइट और रोंग, पर मैं ये जरूर कहना चाहता कि यह इशू गवर्नर मीडिया च लैके आने लिए क्यों मजबूर होया, आपां क्यों उन्हें ऐसी मजबूरी तक लैंदा भी वो जी मीडिया च उन्हें आना पवे। सो मैं सीएम साहब की कितना कितने जरूर सीएम साहब को कहना कि उन्होंने एंगल तो जरूर उन्होंने प्रयास करने चाहिए है कि जिन्ना भी गवर्नर दे नाल एक बैटर कोआर्डीनेशन हो सके वो पंजाब दे लई बेहतर है, क्योंकि बजट सैशन आने वाला है, बजट सैशन भी जिहड़ा सब तो पहला गवर्नर एड्रेस तो बाद ही शुरू हुंदा है, सो उहदी ईवन जिहड़ी मंजूरी सैशन दी वो भी गवर्नर तो बगैर नहीं होनी, सो इस तरह के होर बहुत सारे इशूज़ ने, मेरा ख्याल तो सरकार नूं साडी जिन्नी की नॉलेज है उस तो भी ज़्यादा डेली जिहड़े गवर्नर दे नाल काम पैंदे ने, आ VCs लाने ने तुसीं देखिया होणा पिछे यूनिवर्सिटी दे विच वाइस चांसलर दा इशू होया, साडी सरकार दे समें कदी इशू ही नहीं सी ऐसा होया, सानू पता ही नहीं गवर्नर चाहे कोई पैनल भेजे ना भेजे घट भेजे उधरों गवर्नर की जो कोई डेफिशिएंसी का फोन आता सी तो साडी सरकार उन्हें पूरा करती सी, और कै जे साडे मुख्यमंत्री कैप्टन भी सी जां उस तो बाद चन्नी भी सी उन्हां दा आपसी कोआर्डीनेशन बहुत अच्छा सी, सो एक अच्छा कोआर्डीनेशन जिहड़ा रखना है वो सीएम की पहली जिम्मेवारी है पंजाब लई पंजाब की खातर। नुक्ताचीनी जां इस सवालों नूं केंद्र की साजिश कहा जाता है कि केंद्र दखलअंदाजी कर रही है गवर्नर के थ्रू, तुहानूं लगता है कि केंद्र की साजिश है? देखो मैं तो यह लगता भी दोनों की साजिश है, ये केंद्र की भी साजिश है, ये आम आदमी पार्टी की भी साजिश है, ये दोनों चाहते भी नुक्ताचीनी आपस करते रहिए, मीडिया च हाईलाइट रहे और सानू को पूछे ना तुसी की कर रहे हैं, सिर्फ एक लोगों की अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए इस तरह का माहौल बनाया जा रहा, अदरवाइज आपस के बच्चे बिल्कुल ठीक है। लेके NPC की गई ये क्या गया कि कांग्रेस सवाल ना चके जाने अकाली दल की जिम्मेवारी बनती है, टोल प्लाजे बंद होने चाहिए ने या नहीं? देखो जो टोल प्लाजे जो बंद बिल्कुल होने चाहिए है, पर एट द सेम टाइम वो गवर्नमेंट की पॉलिसी की है, गवर्नमेंट जी अगे रोड जो पहला जो कंसैशनर जो बनाते हैं अगे गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गवर्नमेंट उन्होंने रोड्स को किदा मेनटेन करेगी, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जे अपन बिल्कुल अपना बंद करना चाहते हैं फिर जो टोल जो रेंदे खुंदे 12-13 चलते हैं फिर अपन वो भी बंद करने चाहिए है, फिर अपना हूँ इन्हों एक्सटेंशन आप दी नहीं ठीक आ, लोगों लिए बहुत अच्छा है,
पर आप फिर पातणा वाले लोग जोड़े वो बेचारे को उन्होंने को ज़्यादा पैसे है उन्होंने आप एक्सटेंशन देती है। सो इस करके जोड़ा मतरेई माँ वाला विहार जो पंजाब के बच्चे लोगों के नाल ना किया जाए बाकी ठीक है। बाकी जोड़ा अनसैसरी आप कांग्रेस गौरमेंट में लैके आ रहे हैं या होर चीज़ा लैके आ रहे हैं मैं समझदा कि यह अनफॉर्चुनेट है ये नहीं होना चाहिए नहीं होना चाहिए। पर जदों भी कोई गल चलती है तो यह कहा जाता है कि पिछलियां सरकारां माफिया बनाता रहा पिछलियां सरकारां ने रेत माफिया बनाया पिछलियां सरकारां ने केबल माफिया बनाया पिछलियां सरकारां ने टोल माफिया बनाया सारा कुछ तुहाडे ते आके कह दिता जाता है कि गाज डिगदी नज़र आती है कि भ्रिष्टाचारी है इत्थों शुरू हुई है असी तो साफ करन लगे हुए हैं। देखो जी एक बार मैनूं तां हमेशा एक मैनूं स्टोरी याद आती है कि एक बार बच्चा स्कूलों आया तो अपने फादर नूं कहिंदा जी उहदा सरपंच का मुंडा भी फेल हो गया तो रिजल्ट आया तो कहिंदा जी वो प्रधान का मुंडा भी फेल हो गया वो फलाने का मुंडा भी फेल हो गया तो कहिंदा तू अपना दस तो कहिंदा तेरा मुंडा बहुत वह भी फेल हो गया फिर जे पिछले फेल हो गए तुसीं जरूरी फेल होना तुहानूं लोकां ने बदला ले लिया तुहानूं लोकां ने बड़ियां उम्मीदां ते अपनियां सदनां दे नाल लिया तुसीं उस बदला ले काम करो जिहड़ा कि बदलाव कितें नज़र नहीं आ रहा। सो इस करके एवें ये कही जाणा जी पिछलियां सरकारां ने यह किया वह किया लोगों ने इन्हां चुणिया काम करन दे लई लोगों ने इन्होंने चुनिया अपन उम्मीदा पूरिया करन दे लई सेहत सेवावां बेहतर करन दे लई आ हैल्थ क्लीनिक जिहड़े आम आदमी पार्टी क्लीनिक्स बनाए आ जे 500 बनाए आ ते 300 क्लीनिक ऐसे जिहड़े ऑलरेडी आम आदमी पार्टी क्लीनिक तरह काम कर रहे सी उन्हां तो भी बेहतर काम कर रहे सी उत्थों डॉक्टर चक के पा इधर लगाते आ इहदा मतलब वो पेशेंट्स नूं कौन देखेगा। फिर तुसीं अपने फंड्स लगाओ सेंटर के जिहड़े फंड आ नैशनल हैल्थ मिशन दे 436 करोड़ रुपया पहला आया सी वो तुसीं उधरले पासे लाता जिन्ना स्टाफ है मैडिकल पैरामैडिकल उधर मूव कर लिया क्लास 4 किते है ही नहीं जिहड़े किते है वह भी तुसीं मूव करके आम आदमी पार्टी क्लीनिक च लै गए उत्थे लोगों को कोई सुविधा नहीं मिल रही जिहड़े चलते सी वह बंद होने की कगार ते है। सो इस तरह दीआं सेहत सेवावां तुसीं पिछे पढ़िया एजुकेशन कहिंदे सी असीं बहुत बेहतर करांगे साडी जिहड़ी पीटीआर है पीपल टीचर रेशो आ वह बड़ी वर्स्ट है वह 39-40 ते प्राइमरी अपर प्राइमरी की पहुँच गई है जबकि जिहड़ा मेरा ख्याल नैशनल एवरेज जिहड़ी वह किते घट 28 है। सो इस करके ये जिहड़ियां चीज़ां इन्हां नूं इंप्रूव करो आ जिहड़ा इन्हां दा मेरा ख्याल ड्रॉप आउट रेट है वो बहुत ज़्यादा स्कूलों तो सो मैं समझदा कि जिहड़ी हैल्थ ते एजुकेशन ते काम भी कर रहे ना इन्हां तों वह भी नहीं संभालिया जाणा। फंडां दी गल कीती फंडां नूं लैके आरडीएफ दा मसला बड़ा खड़ा हुंदा है पर कहा जाता है कि कैप्टन सरकार ने आरडीएफ दे फंडां दी दुरवरतों की वह फंड किसानी कर्जे च लाते इस करके हुण सरकारां दे फंड रोके जा रहे हैं वह भी गाज तौड़दे डिगदी तुहाडी पुरानी सरकार। मैं तां तुहानूं कहानी सुनाई है इन्हां दा कोई ना कोई कारण लभदे ने जे आरडीएफ दे नाल असी किसानां दी कर्ज माफ़ी की थी, तुसी भी कर दिओ असी तां कर्ज माफ़ी करती नहीं जे गलत वरतो तो तुसी एक्शन करो जे किसानां दा कर्ज माफ़ करना जे गलत काम है तो मैं समझदा कि तुसी तां जम जम के इदां दे गलत काम करो किसानी दे कर जिहड़ा 90,000 करोड़ रुपया तुसी रौली ही पाते रहे पे जी कैप्टन ने सारा कर्जा माफ़ करना सी कैप्टन ने किया नहीं जां इन्हां ने कांग्रेस ने किया नहीं तो तुसी हुण क्यों नहीं करते हुण तां इह किसे भी स्पीच दे विच इन्हां दे ना ही नहीं आता पे जी किसी किसान का कर्जा माफ़ करना या नहीं करना इतों तक कि जोड़े किसान शहीद भी होए उन्होंने नौ जोड़े किसान अंदोलन शहीद उन्होंने नौकरियां नहीं देंगे हूँ सुइसाइड जोड़े हो रहे हैं उन्होंने सुइसाइड किसी फैमिली कोई पैसा दस दिन किन्नू दिता एक पैसा 3 लाख रुपया तो एज पर लॉ ही देना होंगे वो भी 3 कोई पैसा किसानी की तो गल ही नहीं कर रहे किसानी का बेड़ा गर्क किया जा रहा और थां थां पंजाब दे विच अंदोलन हो रहे हैं चाहे वह बैबल कलां बरगाड़ी कांड की गल कर लो साडे इत्थे कौमी इंसाफ मोर्चा का लगा होया कि कोई ऐसा दिन नहीं जदों पंजाब पूरा पंजाब इस वेले मोर्चे वाला पंजाब बनया होया। कांग्रेस का की स्टैंड है कौमी इंसाफ मोर्चे ते की बंदी सिंह रिहा होने चाहिए तो लगता है भी जेकर बाहर आवगे तो समाज के लिए खतरा है। देखो जी मेरा जिहड़ा अपना स्टैंड है मेरा परसनल जिहड़ा ओपीनियन है कि जिन्हां सिंघां ने बंदी सिंघां ने अपनी सज़ा पूरी कर ली हुई है उन्होंने अंदर रखने का कोई अधिकार ही नहीं है उन्होंने सेहत खराब है उन्होंने हैल्थ जोड़े वो इशूज ने तो मैं समझदा कि जी यूनियन गवर्नमेंट आ ईवन जो केजरीवाल के अंडर भी जो कुछ जो बंदी सिंह इन्हों साडा स्टैंड है भी उन्होंने रिहा करना चाहिए बिल्कुल करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कैप्टन अमरिंदर सबका मुख्यमंत्री ने एक लिस्ट भेजी सी केंद्र सरकार को सूची बना के भेजी सी आ बंदी सिंह ने रिहा होने चाहिए ने हूँ तो सेंटर च जावड़े हूँ तो भाजपा च जावड़े की लगता की अपील करते मैं कैप्टन साहब न अपील करदा वैसे उन्होंने मैं तो यह अपील करदा भी वह भी मोदी साहब न गल कर जरूर रिलीज होने चाहिए है बिल्कुल मैं सहमत। आखिरी सवाल है जी जनतक खड्डां बारे की कहना है हालांकि तुहाडी सरकार दे वेले चरणजीत सिंह चन्नी ने 5.5 रुपये रेट करता सी रेते का पर लोग कहिंदे मिलदा नहीं सी
ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ 5.5 ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਟਰਾਲੀ ਆਪਦੀ ਲੈ ਜੇ, ਲੇਬਰ ਲੈ ਜੇ, ਰੇਤਾ ਭਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਰੇਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਰੇਤਾ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਆ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹੀ ਆ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਗਟਕਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਰੇਤਾ 3 ਗੁਣਾ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਨਤਕ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਆ, ਜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਟਰਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਭਰਾਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤਾਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸੁਖਦੇਵ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪ 67 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮਾਈਨਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ। ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੱਡਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਕੋਪ ਹੈ ਜੀ? ਜਨਤਕ ਖੱਡਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋਣੀ ਆ, ਔਰ ਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ 5-10 ਦਿਨ ਰੁਕ ਜਾਓ ਜ਼ਰਾ, ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਉਹੀ ਰਹਿਣੇ ਆ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਦਲਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਲੇਕਿਨ ਹਾਲਾਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਗੜਨਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਬਣ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਸਰਖਾਬ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਿੰਤੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।